फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है पब्लिक प्लेस में जाके कैसे ब्लॉगिंग करें। दोस्तों, तो ब्लॉगिंग करने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस में जाके जैसे ही कैमरा हाथ में लेके ब्लॉगिंग करना चालू कर देते हैं तो लोग हमारे मुंह के तरफ ताकते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हमें हम लोग शर्मा जाते हैं और उसी वजह से हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये सब आप अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग जितना शर्माओगे तो आपका ब्लॉगिंग का जो स्किल है वो बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, जब बाहर प्लेस में जाके ब्लॉगिंग करोगे तब सबसे पहले दोस्तों आप लोग बिना हिचकिचाहट करके अपना ब्लॉगिंग चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ब्लॉगिंग चालू करने से क्या होगा, आप अपना अंदर का जो डर है, स्किल है, वो सब बाहर निकल जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्तों बाहर में जाके, उतना आपका ब्लॉगिंग का स्किल और भी सुधरता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दोस्तों देखिए, फर्स्ट टाइम आपको ये सब फेस करना पड़ेगा दोस्तों। इससे कुछ इशू नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आप जितना पब्लिक प्लेस में जाके, आप हर वक्त घर के अंदर ब्लॉग नहीं शूट कर सकते दोस्तों, क्योंकि आपको बाहर भी जाना पड़ेगा दोस्तों। कहीं कहीं जगह पे आपको अच्छा अच्छा लोकेशन मिलेगा, तब आपको शूट करना पड़ेगा। तो आपके आसपास और भी लोग रहेंगे, तब आप क्या करोगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको बाहर में भी, घर के अंदर में भी, हर जगह पे शूट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप बिना हिचकिचाहट करके आप अपना जो कैमरा हाथ में फटाफट लीजिए और बाहर में जाके आराम से ब्लॉग शूट कीजिए। सोचिए, मेरे आसपास कोई भी नहीं है सिवाय मैं और मेरा जो कैमरा है, मोबाइल है, वही, ये दोनों चीज़। ये सोच के आप अपना जो ब्लॉगिंग का स्टाइल है वो शुरू कर दीजिए। कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते जाइए दोस्तों। देखिए, जितना आप बाहर में जाके ब्लॉग शूट करोगे आपका अंदर का डर भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पहले देखिए, हम लोग जब बाहर में जाके ब्लॉग शूट करते हैं, लोग हमारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं तो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, हम शूट नहीं कर पाते, थोड़ा शर्मा जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो हम लोगों के साथ पहले फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, तब क्या होगा, आपको पहले लोग नहीं पहचानते हैं तो आपके तरफ अजीब नज़रिए से वो लोग देखेंगे। ठीक है, जब दोस्तों आप YouTube में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है दोस्तों, मेरी बात को अच्छे से समझिए, जब आप YouTube में सक्सेसफुल हो जाओगे, इससे अर्निंग आना आपका शुरू हो जाएगा, तब देखोगे दोस्तों आपको जो अजीब नज़रिए से लोग देखते हैं वही सब आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके चारों तरफ घूमेंगे, आपके साथ एक सेल्फी लेने के लिए दोस्तों आपके आजू बाजू में घूमते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या कीजिए दोस्तों, ये सब करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप आराम से बिंदास होके, पब्लिक प्लेस हो या घर के अंदर हो या कहीं लोकेशन में हो, आप जाके आराम से शूट कीजिए, कोई झंझट नहीं है दोस्तों। अगर सक्सेसफुल होना है तो दोस्तों ये सब फेस करना पड़ेगा। अगर ये सब आप फेस नहीं कर पाओगे तो दोस्तों कभी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों को, अगर YouTube में सक्सेसफुल होना है तो ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे तो दोस्तों यही लोग आपके साथ एक सेल्फी के लिए भागे भागे चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दोस्तों आप मत सोचिए, आप आराम से अपना जो ब्लॉगिंग का स्टाइल है वो अच्छे से शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों घर के अंदर जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे अच्छा होगा, बाहर में भी जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही अच्छा होगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार देखिए दोस्तों, घर के अंदर भी हम लोग, घर के अंदर भी कोई नहीं रहता, फिर भी हम लोग शर्मा जाते हैं कैमरा के सामने। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपना जो स्क्रिप्ट है वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या करोगे, जब कैमरा हाथ में लोगे तब आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मेरे सामने कोई नहीं है सिवाय मैं और मेरे मोबाइल। ठीक है, मोबाइल का जो कैमरा है, तो आप उसको एकदम इग्नोर कर दीजिए दोस्तों। सोचिए कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो आराम से जो अपना स्क्रिप्ट है उसको आप कैमरा के सामने बोलिए, ताकि जो आपका ओरिजिनलिटी है, जो आपका, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो आप लोगों को दिखाओगे उससे लोगों का कुछ इम्प्रूव हो, वही सब दिखाइए दोस्तों। लेकिन उसके वो दिखाइए, लेकिन दिखावट मत दिखाइए कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास, ये सिंपति मत लीजिए दोस्तों। लोगों को ओरिजिनलिटी पसंद आता है, तो सिंपति मत दिखाइए दोस्तों। जो आप हो और जो आप रियलिटी में दिखाना चाहते हो वही सब लोगों को दिखाइए दोस्तों। एक्स्ट्रा मत दिखाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा लोगों को पसंद नहीं आता, लोगों को अच्छा लगता है जो ओरिजिनलिटी है
वही देखना लोगों को पसंद आता है। तो बस इतना ही आज का ट्रिक था दोस्तों, आप लोग एकदम टेंशन फ्री होके जाके पब्लिक प्लेस में ब्लॉग शूट कीजिए, घर के अंदर शूट कीजिए, और थोड़ा थोड़ा दोस्तों घर के अंदर कैमरा के सामने आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका अंदर का जो डर है वो बाहर निकल जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, जितना अच्छा कैमरा के सामने आप बोल पाओगे, आपका ब्लॉगिंग का स्टाइल और भी बढ़िया होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर वक्त ऐसा वीडियो लाता रहूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं और एक अच्छा दूसरा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।